इंटरलॉकिंग स्टील स्लैब होल्ड अपॉन द ड्रम एट द टॉप ऑफ द ओपनिंग। ये क्या बोल रहे हैं, एक ड्रम रहता है ऊपर, या बीम कह लो या ड्रम कह लो, और ये नीचे क्या रहती है, ये जो चैनल रहती है ये इंटरलॉकिंग रहती है, मतलब एक में एक लॉक रहती है। जब हम इसको खसकाते हैं ना तो ये सारी इंटरलॉकिंग इस ड्रम के ऊपर रोल करती है, पूरी की पूरी ऊपर शटर के ऊपर काउंटर हो जाती है। द डोर इज काउंटर बैलेंस बाय हेलिकल स्प्रिंग। इस पे क्या लगी रहती है, एक हेलिकल स्प्रिंग लगी रहती है जिससे ये हम आसानी से इसको खोल बंद कर सकते हैं। एनक्लोज द ड्रम एंड अ होल टू स्टील प्रोटेक्ट्स द ड्रम फ्रॉम द वेदर अफेक्टेड फॉर हैविंग हैवियर डोर रिडक्शन गियर एंड एंडलेस चैनल ऑफ शाफ्टिंग गियर क्रैंक आर यूज टू ऑपरेट द डोर। दीज डोर्स आर सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग। ये वाले डोर सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और ऑलिंग स्टील डोर। बस इसमें क्या है कि हमको प्रॉपर समय समय पर इसकी ऑयलिंग करना पड़ती है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रहता है जो स्टॉप करके रखता है, मतलब पूरी चैनल ऊपर नहीं जाए। यहाँ पे स्टॉपर लगा रहता है, ये हैंडल्स रहते हैं जिसको पकड़ के हम खींचते, नीचे जो दो है वो हमारे लॉक लगे रहते हैं, ये शटर्स होती है, और ये क्या रहती है, इसकी फ्रेम रहती है। सभी ने देखे ये वाले डोर, ठीक है। अब आ जाओ रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर मतलब ये अपनी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। ये वाले आपने डोर कहाँ देखे होंगे, पार्क में देखे होंगे। पार्क का जो गेट रहता है, यहाँ पर आप आ जाते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, यहाँ पर दूसरा इंसान ये घूम करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर दूसरा इंसान एंटर हो जाएगा, फिर ये तीसरा वाला घूम करके आगे आ गया, फिर ये इंसान यहाँ से निकल जाएगा। मतलब ये कैसे रहते हैं, ये अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। पार्क में ये हमेशा लगे हुए रहते हैं, मतलब आपको यहाँ आकर के इसको धक्का देना पड़ता है जब जाकर के आप दूसरी साइड निकलते हो, ठीक है। सभी ने देखे ये वाले डोर, देखते हैं रिवॉल्विंग डोर। दीज टाइप ऑफ डोर गिव्स एंट्रेंस ऑन वन साइड। एक साइड से एंट्रेंस देते हैं और अगली साइड से एग्जिट करते हैं। On the other side simultaneously. The door is used in big hotels. ये बड़े बड़े होटलों में यूज़ होते हैं, बैंक में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं, एंड अदर प्लेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा और लगातार पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, मतलब पैदल चलने वाले लोग पाए जाते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं। ये वाले डोर का एक फ़ायदा ये है कि हम इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब इससे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। मतलब क्या, अगर हम चाह रहे हमारे होटल में कोई इकट्ठा एंट्री नहीं हो, तीन चार लोग एंट्री नहीं हो, ये कैसा रहता है कि थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है। मतलब अब एक इंसान यहाँ आएगा, पहले इसको खसकाएगा, अगर ये क्लोजिंग रहेगा तो फिर इसको खसका के यहाँ निकलना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा टाइम क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है। इन डोरों में क्या, बस सीधा सीधा गए और निकल गए, मतलब ये पूरा क्लोज्ड टाइप का डोर होता है जहाँ पे हमको ट्रैफिक, हम जा क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक बोथ इनकमिंग और आउटगोइंग, आने वाला ट्रैफिक भी मैनेज कर सकते हैं और जाने वाला ट्रैफिक भी मैनेज कर सकते हैं। द डोर कंसिस्ट ऑफ
The door is consist of centrally placed वर्टिकल सपोर्ट. इसमें क्या रहता है, एक बीच में वर्टिकल सपोर्ट रहता है जिसके द्वारा ये जो एक्स्ट्रा में हमारे जो हत्ते निकले हुए हैं या जो भी डोर निकले हुए हैं वो अटैच रहते हैं. ठीक है, सपोर्ट टू विच फोर रेडिएटिंग शटर, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटिंग शटर आर अटैच एज शोन इन द फिगर. जैसा दृश्य इसमें फिगर में दर्शा गया है, इसमें बीच में एक अटैचमेंट रहता है जो फिक्स रहता है, उसके आसपास क्या रहते हैं, इसके जो पल्ले रहते हैं वो अटैच रहते हैं. The central support consists of a ball bearing the bottom and the bush bearing at the top to enable the door is revolving easily and smoothly. ये क्या रहता है, इसके जो मतलब जो ये सपोर्ट रहता है, ऐसा सपोर्ट रहता है, फिर इसके पल्ले ऐसे निकले हुए रहते हैं. जब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पल्ले को फोर्स करते हैं, तब जा कर के ये पूरा गेट ऐसे घूम जाता है. तो एक पल्ला तो आगे बढ़ जाता है और दूसरे पल्ले इधर आकर के क्लोज हो जाते हैं. अब हम क्या करते हैं, इसके सेंटर में क्या करते हैं, इसके नीचे जो बॉटम में क्या करते हैं, एक बॉल लगाते हैं. बॉल रहता है जिसके ऊपर ही हमारा सपोर्ट खड़ा रहता है और टॉप पर भी हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो चीज़ लगाते हैं. तो क्या होता है, ये फ्लेक्सिबली इसका जो कवर रहता है ये घूम पाता है और हमारे पल्लों को आगे बढ़ाता जाता है. किसी को कोई दिक्कत इन सारे डोर में? सभी नहीं देखे ये सारे डोर है ना? पहला कौन सा, लेज एंड ब्रास डोर, बैटन एंड लेज डोर, बैटन लेज और ब्रास डोर. अगला कौन सा आ गया हमारा, बैटन लेज एंड फ्रेम डोर. फिर क्या आ गया हमारा, फ्लश डोर. फिर क्या आ गया हमारा, फ्लश डोर. फिर क्या आ गया हमारा, फ्लश डोर के अंदर सॉलिड फ्लश डोर और होलो फ्लश डोर. सॉलिड मतलब ठोस वाला फ्लश डोर और हमारा होलो मतलब थोड़ा हल्का. फिर क्या आ गया हमारा, चैनल गेट कोलेप्सिबल डोर. फिर क्या आ गया हमारा, शटर गेट, रोलिंग डोर. रोलिंग डोर, ये रोलिंग मतलब रोल हो रहा है. ठीक है, ये कोलेप्सिबल मतलब कोलेप्स हो रहा है फिर एक्सपांड हो रहा है. ठीक है, ये रोल हो रहा है. ठीक है, ये क्या, रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व घूम रहा है. ठीक है, ये सारे डोर आपको पूरे 60 डोर में पढ़ा चुकी हूँ, ये आने चाहिए. और इनके क्या करना, हमको डायग्राम बनाना है. डायग्राम कौन से बनाओगे, जो बुक में रहेंगे. अब अगला मैं पढ़ा रही हूँ, इस टाइप के डोर आपके घरों में भी हो सकते हैं या पाए जाते हैं. ये आजकल हम बनाते भी हैं और थोड़े बहुत समय पहले से हम बनाते हैं नॉर्मली. ये कौन से डोर रहते हैं, ये हमारे पैनल डोर रहते हैं. अब पैनल पढ़ना, दिस टाइप ऑफ डोर इज कॉमनली प्रोवाइडेड इन ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग. हर प्रकार की बिल्डिंग में हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस डोर कंसिस्ट ऑफ टिम्बर फ्रेम, ये काई की फ्रेम से बने होते हैं, एक लकड़ी की फ्रेम होती है जिससे ये बने हुए रहते हैं. स्टील्स एंड द रेल्स, क्या होती है, स्टाइल्स जो आसपास की जो रेल्स होती है और बॉटम और टॉप की जो रेल होती है वो. विच आर ग्रूव्ड ऑन द इनसाइड टू रिसीव वन और मोर पैनल, कैसे रहते हैं, उसको हम फिक्स करते हैं ताकि हमारे पैनल इसके ऊपर में अटैच हो जाए. पैनल मतलब ये पैनल रहते हैं, ऊपर से ऐसे आकर के स्टिक हो जाते हैं. पैनल डोर आर मेड इन सेवरल डिज़ाइन टू सूट द फंक्शनल एज वेल एज आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट. जैसे जैसे हमको दिखावा या सुंदरता की जैसे हमको बनाना है, उतने प्रकार के हम पैनल डोर का उपयोग कर सकते हैं जो हमको हमारे कार्य में सुंदर लगता हो और जो टिकाऊ लगता हो. द डोर मे बी ऑफ सिंगल डबल थ्री फोर सिक्स पैनल एंड सो ऑन, जितने पैनल आपको बनाने एक डोर में आप बना सकते हो. ठीक है, 1 2 3 4 6 5. ठीक है, द पैनल कैन बी ऑफ टिम्बर. पैनल काय काय के हो सकते हैं, एक तो टिम्बर वुड के हो सकते हैं, प्लाईवुड के हो सकते हैं, ब्लॉक बोर्ड के हो सकते हैं, हार्ड बोर्ड के हो सकते हैं. मतलब पैनल कैसे रहता है, ऐसे कैसे ये फ्रेम पे अटैच हो जाते हैं. आपको समझ आ रहा है, मतलब ये ऐसा फ्रेम रहता है गेट का, उस पर आके ऐसे ये पैनल स्टिक हो जाते हैं या फिर आप उसको कस देते हो, वैसे हो जाते हैं हमारे पैनल डोर. हाउएवर एडिशनल टिम्बर बेडिंग इज ऑल्सो प्रोवाइड आइदर ऑन द बोथ साइड टू इम्प्रूव एलिवेशन ऑफ द डोर. कॉमनली अडोप्टेड डिजाइन फ्रेम डोर आर एज शोन इन द फिगर.
हमारे जो कॉमनली यूज होते हैं उस टाइप के, ये हमारे पैनल डोर है, ये वन पैनल डोर है। इसमें क्या कर रहा है, ये हमने एक ही पैनल लगाया हुआ है जो अंदर का, और ये हमारा टॉप रेल हो गया, स्टाइल्स हो गया और बॉटम रेल हो गया। तो ये कौन सा पैनल डोर हो गया, वन पैनल डोर। ऐसे हम टू पैनल लगा देंगे तो एक पैनल ये हो गया, एक पैनल ये हो गया। यहाँ पे क्या लग जाती, छटकनी लग जाती अपनी, रॉक रेल, लॉक रेल, टॉप रेल हो गई, पैनल हो गया, स्लिट हो गई। मतलब ये थोड़ी सी उठाव में बनाते हैं हम, ऐसी डिजाइन होती है। मेरे पुराने घर में है तो मैं उसका फोटो खींच करके भेजूंगी आपको, पैनल डोर का। ठीक है, और भी कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं अपन, अपने ग्रुप में भेजूंगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, टू पैनल डोर हो गया। ठीक है, दो पैनल लगे हुए हैं इसमें। ये क्या हो गया हमारा, थ्री पैनल डोर हो गया। इसमें एक दो और थ्री पैनल लगा दिए, एक एक जो पैनल लगा दिया हमने हॉरिजॉन्टली लगा दिया, और दो क्या कर दिया, वर्टिकली लगा दिया। ये इसकी टॉप रेल है और ये इसकी लॉक रेल है, मतलब यहाँ पे चटकनी लगा सकते हैं। ये क्या है हमारा, फोर पैनल डोर हो गया, जिसमें एक दो तीन चार। अपन चाहें तो नीचे वाले पैनल को छोटा कर सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या करा, नीचे वाले दो पैनल को छोटा बना दिया, ऊपर वाले दो पैनल को बड़ा बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइव पैनल डोर, एक दो तीन चार पाँच। इसमें क्या है, फाइव पैनल डोर लगा दिए हमने, और टॉप स्टाइल और बॉटम रेल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिक्स पैनल डोर हो गया, जिसमें क्या है, एक दो तीन चार पैनल लगा दिए और दो पैनल बॉटम साइड में लगा दिया। इसमें कुछ दिक्कत पैनल डोर में, पैनल डोर में कुछ दिक्कत? नो मैडम, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, डोर फ्रेम और उनकी मेथड्स या उनकी विधियों के बारे में और उनके फिक्सिंग के बारे में बताया गया है। मतलब अलग अलग टाइप की, कितने टाइप के हम फ्रेम बना सकते हैं और क्या मेथड होती है उनकी फिक्सिंग की, मतलब किस तरह से हम उनको फिक्स करते हैं। ठीक है, या किस हिसाब से, कहाँ स्टील लगाएंगे, कहाँ टिम्बर में, कैसे ब्रिक में कैसे फिक्स करेंगे। तो ये थी हमारी डोर की फ्रेम, फ्रेम मतलब ये वाली फ्रेम। इसका भी एक अलग उद्देश्य रहता है। देखो, जब फर्नीचर वाला भी फर्नीचर बनाता है ना, तो विथ फ्रेम, विदाउट फ्रेम, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके ही बनाता है आजकल। और अभी जो क्या हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि हमारी जो फ्रेम बन रही है वो काई की बन रही है, मार्बल की भी बन रही है। समझ में आ रही है बात? देखो, एक सेकंड में बताती हूँ। अगर मैं क्या होता है कि आजकल जो ये जो फ्रेम है ना, ये भी पूरी की क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? मैम हाँ हो रही, मार्बल की मैंने देखी। हाँ, वो क्या होता है कि टॉप में भी मार्बल फिक्स हो जाता है और साइड में भी क्या होता है, मार्बल फिक्स हो जाता है। इधर मतलब इधर साइड भी फिक्स हो जाएगा, ऊपर भी और इधर भी। उसके ऊपर क्या होता है, स्क्रूड होता है, ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग होकर के कब्जे काय पे फिट होते हैं, मार्बल में फिट होते हैं, और फिर ये डोर ऐसे कैसे फिट हो जाते हैं। तो ये जब फर्नीचर जो हम ऑर्डर देते हैं या जो भी हम ठेका देते हैं, तो वो क्या विथ फ्रेम और विदाउट फ्रेम वाला सीन चलता है। मतलब अगर फ्रेम के साथ में अगर आप डोर बनवाते हो, तो एक डोर का शायद 3,000 लगता है ना बनाने का। और अगर विदाउट फ्रेम बनाते हो, ऐसे ही नॉर्मल डोर बनवाते हो, तो उसका रेट अलग जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार का डोर है जो मेरे घर में लगा है, कौन सा डोर है ये? सॉलिड फ्लश डोर, फ्लश डोर है ये। अंदर इसमें प्लाई है और ऊपर वीनियर है। अरे नहीं समझ आया क्या, अभी पढ़ा यस है ना, मैम, फ्लश सॉरी, डोर फोर्थ है और ये सॉलिड है अंदर। मतलब नंबर वाला। हाँ, टुकड़े वुकड़े नहीं लगा है। और चैनल गेट को क्या बोलते हैं, कॉलेप्सिबल। ठीक है, कॉलेप्सिबल। शटर को क्या बोलते हैं, शटर को रोलिंग डोर, रोलिंग। और वो पार्क वाले गेट को क्या बोलते रोलिंग हैं, डोर, रिवॉल्विंग, इसको रोटेटिंग डोर, रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग, रिवॉल्व करना मतलब चक्कर लगाना। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम डोर की फ्रेम्स। डोर फ्रेम इज मेड अप ऑफ टू वर्टिकल मेंबर, मतलब दो खड़े मेंबर से बनती है, एंड एज ए जैम और पोस्ट एंड फ्लेट मेंबर कनेक्टिंग द जोम एट द टॉप
कॉल्ड हेड। क्या होता है कि हम इसमें दो खड़े मेंबर लगाते हैं, और जो टॉप में क्या लगाते हैं, एक जोम लगाते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको टॉप रेल बोलते हैं, मगर वो क्या बोल रहे हैं, टॉप में जो लगाएंगे उसको जोम बोलेंगे, और उनको कनेक्ट कर देंगे हमारे साइड रेल से। तो ये हमारे यहाँ जो गेट बना हुआ है, इसमें बॉटम रेल नहीं है, ठीक है, इस वाले में नहीं है, और इस वाले में हमने बॉटम रेल मार्बल की प्रोवाइड कर दी है, छोटी सी जो दिख रही है, ठीक है। यूजुअली क्या होना चाहिए कि नीचे डोर में पालियाँ भी होनी चाहिए, मगर चूंकि हमारा सफाई का पर्पस रहता है कि भैया एक साइड से पूरा शोर करके उधर जाना है, या धोया भी है तो हमारा पानी पूरा निकल जाना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो है ना, जैसी रिक्वायरमेंट रहती है वैसे हम डोर बनाते हैं। जैसे इसमें रिक्वायरमेंट थी कि भैया हमको पाली बनानी थी, नीचे की किनारी बनानी थी, ताकि क्या हो कि पानी आकर के हमारे अंदर रूम में एंटर ना हो, तो इसमें हमने क्या प्रोवाइड करी, बॉटम रेल प्रोवाइड करी, ठीक है। अदरवाइज जो फ्रेम है हमारी, वो किन चीज़ों से बनी होती है, हमारा जो वर्टिकल मेंबर, मतलब एक खड़ा मेंबर ये है और खड़ा मेंबर ये है, और दोनों को क्या कर दिया हमने, टॉप मेंबर से ज्वाइन कर दिया, तो वो कहला जाती है हमारी फ्रेम, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ जोम एंड द हेड आर नॉर्मली कैप द सेम। द साइज ऑफ डोर फ्रेम इज वर्क आउट आफ्टर अलाउिंग द क्लियरेंस ऑफ 5 mm अराउंड द कन्वीनियंस ऑफ फिक्सिंग द फ्रेम इन द ओपनिंग। द फ्रेम इज मेड अप ऑफ टिम्बर एंड स्टील आर डिस्क्राइब बिलो। क्या होता है, फ्रेम हमारी टिम्बर की या स्टील की, दोनों की बन सकती है, ठीक है। टिम्बर, टिम्बर डोर फ्रेम को समझते हैं, टिम्बर मतलब मेरे घर में जो वुड की बनी है वो वाली, ठीक है। टिम्बर डोर फ्रेम इन केस ऑफ डोर्स हैविंग वन शटर एट द साइज ऑफ द जोम और हेड इज टेकन 60 mm थिक और 100 mm वाइड। क्या कर रही हूँ मैं कि जो हमारी डोर की फ्रेम है उसको कितनी मोटाई बन मैं बना रही हूँ, 60 mm थिक, मतलब 6 सेंटीमीटर का मैं थिक बना रही हूँ, और वाइड में 100 mm का वाइड बना रही हूँ। इन केस ऑफ डोर हैविंग टू शटर, अगर दो पल्ले वाला गेट है, टू शटर वाला गेट है, द विड्थ ऑफ फ्रेम मेंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 100 mm टू 120 टू 140 mm। मतलब थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी, 100 mm, ये मीटर नहीं, 100 मीटर लिखा हुआ है, mm है ये, है ना, 100 mm तो थिक हो जाएगी, और 120 से 140 के अराउंड वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। मेथड किस तरह से इसको फिक्स करते हैं, मतलब कौन सी फ्रेम को, टिम्बर फ्रेम को, तो वो मेथड है। बिफोर फिक्सिंग ऑल पोर्शन ऑफ द फ्रेम विच विल कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ मेसनरी, मतलब जब हम फिक्स करेंगे इसको, तो पहले क्या होगा, शुरुआती तौर पर हमको आसपास क्या, ब्रिक की मेसनरी मिलेगी, ब्रिक की जुड़ाई दिखेगी। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रिक की जो जुड़ाई है उसको प्लेन कर लेंगे, ठीक है। आर पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब उसको पूरा प्लेन कर लेना, उसके सारे कोने पॉइंटेड कर लेना, तिकोने कर लेना, है ना, पॉइंटेड विद द थिक कोट ऑफ कोल टार और बाय एनी अप्रूव्ड टाइप ऑफ वुड प्राइमर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इस पे उसको प्लेन करने के बाद में हम इस पे वुड प्राइमर लगा करके इसको डोर को फिक्स कर देंगे। प्राइमर क्या होता है कि हमको वुड को भी हमारी दीवारों से लगने वाला जो भी कीड़े मकोड़े है, कम से कम उसको बचा के रखे, क्योंकि ये काई की है, टिम्बर की है, ठीक है। तो हम वुड प्राइमर लगाएंगे हमारी फ्रेम को भी, फिर जा करके इसको ज्वाइन करेंगे। द फ्रेम इज प्लेस्ड इन प्रॉपर पोजिशन एंड सिक्योर टू द वॉल बाय मीन्स ऑफ द आयरन होल्ड फास्ट। क्या करेंगे हम इसको कि हमारी फ्रेम को प्रॉपर पोजीशन में लगाएंगे, मतलब अगर आपकी दीवार टेढ़ी है ना, तो आपकी फ्रेम भी टेढ़ी आ जाएगी, फिर आपका गेट भी टेढ़ा हो जाएगा, तो फिर उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो हमको जो डायमेंशन रखना है, जो उसका नाप और फिक्स पोजीशन लोकेशन रखनी है, वो पूरी सही होनी चाहिए और सिक्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसको किससे ज्वाइन करेंगे, आयरन के होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट मतलब जो बड़े बड़े कीले आते हैं ना, आपने देखे होंगे, इधर की साइड मोटे रहते हैं और वो नुकीले रहते हैं, कम से कम इतने बड़े बड़े कीले भी आते हैं, इतने बड़े बड़े। तो क्या करते हैं हम उसको, आयरन होल्ड फास्ट से हम टिम्बर फ्रेम को ज्वाइंट करते हैं। अ मिनिमम ऑफ 3 होल्ड फास्ट आर फिक्स्ड ऑन ईच जंप। कम से कम अगर मेरे को इसको वर्टिकल का, मैं ज्वाइंट कर रही हूँ रेल, तो कम से कम 3 होल्ड फास्ट मेरे को इसमें डालने पड़ेंगे दीवार में, ठीक है, ताकि ये किससे ज्वाइंट हो जाए, हमारी दीवार से।
वन बिगिन फिक्स द सेंटर एंड द रिमेनिंग टू एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम जोम द होल्ड फास्ट आर एम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट ब्लॉक एंड फ्रेम टू गेट बिल्ट इन एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल और गोज अप। मतलब जब हम तीनों तीनों अपने दो साइड रेल और एक टॉप रेल को तीनों को हम क्या करेंगे, होल्ड फास्ट से हमारी वॉल के अंदर इम्बेडेड कर देंगे, मतलब पूरे तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा हाँ मैम, टिम्बर डोर, ये इसकी मेथड किस तरह से। अब आता है हमारा स्टील डोर फ्रेम, के स्टील की डोर फ्रेम क्या होती है और इनको कैसे लगाया जाता है। ठीक है, स्टील डोर फ्रेम्स, स्टील डोर फ्रेम कैन बी मेड अप ऑफ एन एंगल टी। टी मैंने जो आपको अलग अलग टाइप के चैनल सेक्शन बताए थे, टी सेक्शन बताए थे, ऐसी एक टी होती है। ठीक है, मैं उसका भी फोटो डालूंगी। हमारे छत पे एक स्टील का गेट लगा हुआ है, तो उसमें जो फ्रेम बनी हुई है वो ऐसी टी सेक्शन की है या एल सेक्शन की है, तो वैसे टी सेक्शन की हमारी क्या बनती है, फ्रेम बनती है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम, टी चैनल और प्रेस्ड स्टील प्लेट एज इन केस ऑफ टिम्बर फ्रेम, इन केस ऑफ टू देयर आर टू जोम पोस्ट एंड अ हेड। क्या बोल रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, जैसे हमारे टिम्बर में दो जोम पोस्ट होते हैं, मतलब साइड रेल जिनको मैं बोल रही हूँ बार 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 बार। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, टू जोम पोस्ट किसके होते हैं, स्टील के होते हैं, और जो टॉप रेल होती है वो भी स्टील की होती है। एट द जॉइंट ऑल द मेंबर्स आर वेदर वेल्डेड और रिजिडली फिक्स टुगेदर बाय मैकेनिकल मीन्स। क्या करते हैं, या तो इनको कोनों से ज्वाइंट करने के लिए या तो यहाँ से वेल्डिंग कर देते हैं। तीनों को एक जैसा ज्वाइंट करना पड़ेगा ना, कोई ऐसा थोड़ी बना बना आएगा फ्रेम हमारा। हम क्या करते हैं, या तो इनको रिजिडली ज्वाइंट कर देते हैं, रिजिडली ज्वाइंट मतलब हमने क्या कर दी, इसमें बोल्ट से इन तीनों को फिक्स करा, या फिर क्या करेंगे हम, वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग से इनको ज्वाइंट कर देंगे ताकि ये तीनों एक ही जैसे फिक्स रहें, मतलब एक बॉडी जैसे एक्ट करें। सम टाइम द हॉरिजॉन्टल मेंबर एंगल आयरन इज प्रोवाइडेड टू फिक्स जोम एट द बेस फ्लोर लेवल, दिस मीन्स नोन एज द थ्रेशोल्ड। इन केस ऑफ स्टील फ्रेम एंड द हॉट होल्ड फास्ट एंड द लंग्स हिंज आर इनवेरिएबली वेल्डेड टू द फ्रेम। इसमें क्या चीज़ करेंगे हम, इसको फिक्स करने के लिए कोई भी होल्ड फास्ट नहीं लगाएंगे, मतलब कोई भी बोल्ट वोल्ट नहीं देंगे यहाँ से। हम क्या करेंगे, सॉरी, इन दोनों को फिक्स करने के लिए यूजुअली हम बोल्ट नहीं देंगे, इसको फिक्स करने के लिए हम वेल्डिंग ही करेंगे। और जो हमको इसको हमारी दीवार के अंदर फिक्स करना है, ये स्टील फ्रेम को, तो हम क्या करेंगे, होल्ड फास्ट देंगे। होल्ड फास्ट मतलब बड़े बड़े जो कीले आते हैं वो इसमें से घुसा करके हमारी दीवार में एम्बेडेड करेंगे, मतलब घुसाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ फिक्सिंग देम, किस तरह से हमको इसको फिक्स करना रहेगा, किस हिसाब से हम इसको फिक्स करेंगे, क्या मेथड होती है, क्या विधि होती है। स्टील फ्रेम्स आर ऑलवेज फिक्स्ड टू प्रिपेयर ग्राउटिंग। आ गया इतना समझ में, हेलो। हाँ मैम, ठीक है, यहाँ पे एंड करें हम क्लास। यस मैम, भूख लग रहा फिर अगर शाम को समय मिलता है तो हम पढ़ लेंगे हमारी विंडोज, तो हमारी विंडो भी पूरी हो जाएगी। यस मैम, ठीक है, धन्यवाद।